नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। कोरोना वायरस जैसी महामारी से पूरा देश संक्रमित है, वहीं हरियाणा से उत्तर प्रदेश के रास्ते मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अपने गांव के लिए पैदल निकले 17 मजदूरों का जत्था रोहतास जिला के नोखा प्रखंड में पहुंचा। इस बीच में मजदूरों ने कुछ स्थानों पर ट्रक का सफर भी किया और सभी मजदूर नोखा के प्रखंड कार्यालय में बैठे हुए हैं। उन्होंने यहाँ से मुजफ्फरपुर जाने के लिए प्रखंड प्रशासन से व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। वहीं मजदूरों का कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर सभी कंपनी बंद कर दिया गया है, जिसलिए हम सभी अपने गांवों के लिए पैदल ही निकल रहे हैं। हम लोगों को कोई साधन नहीं है और न ही खाने पीने के लिए कोई सामान है। वही खाने के लिए भी हम लोगों की काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। संवाददाता मंटू कुमार की कहाँ रिपोर्ट। जाना है? मुजफ्फरपुर जिला। क्या नाम है? अनिल कुमार। कब चले थे दिल्ली आप लोग? 10 तारीख से। जी, मुजफ्फरपुर जाना है, दिल्ली से आए हैं सर। कब चले थे दिल्ली में? 6 तारीख को। क्या नाम हुआ? देव नारायण राय। दिल्ली में क्या करते थे आप? नमकीन का काम करते थे। और नोखा में भी हैं। कहाँ जाना है आपको? हमको जाना है मुजफ्फरपुर। कहाँ घर हुआ? महिसौता घर पड़ता है। कौन जिला में है? मुजफ्फरपुर जिला में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम फलिंदर कुमार है। कहिया आप दिल्ली में चले हैं? हम चले सर, चले 23 तारीख को चले हैं।